हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं नीरज फिटनेस स्टडी। आज रहेगा फंक्शनल सीरीज का पार्ट 3 और आज वर्कआउट रहेगा थोड़ा एडवांस। और आज हम वर्कआउट्स में कुछ डंबल्स भी यूज करने वाले हैं और ये वर्कआउट आपका फैट लॉस में बहुत हेल्प करने वाला है। सो आज हमें वर्कआउट में हेल्प करने वाले हैं फंक्शनल ट्रेनिंग एक्सपर्ट पूजा मैम। हेलो मैम। हेलो सर। हाय गाइस। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो आइए देखते हैं फर्स्ट वर्कआउट। अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो आप एक ही सेट से स्टार्ट कर सकते हो, या मैंने बिल्कुल बेसिक का फंक्शनल ट्रेनिंग का वीडियो बनाया, आप वो फॉलो कर सकते हो। उससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं नी स्ट्रेंथनिंग के लिए, बैक के लिए, आप वो एक्सरसाइज करके देन ही आप एडवांस वर्कआउट ट्राई कर सकते हो। सो कोई भी वर्कआउट विदाउट वार्म अप बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको। ये नहीं है कि आप आए वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, तो अगर बॉडी वार्म अप अच्छे से नहीं होगी तो आपका इंजरी के चांस ज़्यादा रहेंगे। बॉडी को मोबाइल करना, फ्लेक्सिबल करना वर्कआउट से पहले बहुत जरूरी है। फर्स्ट वर्कआउट रहेगा लंजेज विद शोल्डर प्रेस। गाइस ध्यान रहे, आपने बोथ साइड करना है, 15-15 ईच साइड करना है और आपने 3 टाइम्स इसको परफॉर्म करना है। एक्सरसाइज है चेस्ट प्रेस विद लेग रेज। गाइस ध्यान रहे, इसमें आपने लाइट डंबल यूज करने, हैवी डंबल नहीं यूज करने, 2.5 का या 3 का। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स विद शोल्डर प्रेस। गाइस ध्यान रहे, ईच साइड करना है आपने ये 15-15 ईच साइड एंड 3 टाइम्स। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुशअप विद रोइंग। गाइस पूरा सर्किट बना के आपने एक्सरसाइज करनी है। अब मैं 10-15 एक्सरसाइज अभी बनाऊंगा और उसमें आप 3 के सर्किट्स बना के आप वर्कआउट कर सकते हो। सही रहेगी हाफ बर्पी में माउंटेन क्लाइंबिंग। गाइज आपने ये एक्सरसाइज 30 सेकंड के लिए परफॉर्म करनी है एंड 3 टाइम्स इसको रिपीट करना है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगा बर्पी में नी स्ट्राइक करना, आपने 15 रेपिटेशन करने हैं आपने इसको और 3 टाइम्स रिपीट करना है। बैक स्विंग नहीं होनी चाहिए, कोर से बैक को होल्ड करके रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी इंच वॉर्म विद जैक नाइफ। 30 सेकंड्स के लिए आपने परफॉर्म करनी है और 3 टाइम्स इसको रिपीट करना है। रहेगी सुमो स्क्वाट्स में आपने बाइसेप्स कर्ल करना है, 15 रेपिटेशन करने गाइस आपने और इसको 3-4 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हो एज पर योर कैपेसिटी। रहेगी हाई नी में जंपिंग स्क्वाट्स। गाइस आपने 15-15 के सेट्स करने हैं आपने और 4 टाइम्स इसको आप रिपीट कर सकते हो। एक्सरसाइज रहेगा पुशअप में लेग रेज या हिप एक्सटेंशन कह सकते हैं हम इसको। एक्सरसाइज है स्क्वाट्स में आपने करना है नी स्ट्राइक और ये आपने स्टेयर्स पे करनी है एक्सरसाइज, ईच साइड 15 साइड। ये कुछ एक्सरसाइज थी एडवांस फंक्शनल पार्ट 3 के लिए। अभी फंक्शनल सीरीज चलती रहेगी हमारी और अगर आपकी कोई भी फिटनेस से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वर्कआउट स्ट्रेचिंग रहेगी हमारी और वो रहेगी स्टैटिक स्ट्रेचिंग यानी कूल डाउन स्ट्रेचिंग। इसमें आपने जो भी मैडम आपको स्ट्रेचिंग बता रहे हैं आपने 10-15 सेकेंड्स होल्ड करना है। बस वो एक बार आइडिया दे रहे हैं आपको कि ये स्ट्रेच करने हैं आपने। प्लीज़ पोस्ट वर्कआउट 10-15 सेकेंड स्ट्रेच करना है, उसको बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग।